वरुण धवन जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री के साथ ही एक हिट फिल्म दी और अब तक वरुण धवन की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वरुण धवन की आने वाली सबसे बड़ी फिल्में। दोस्तों वरुण धवन की एक बड़ी फिल्म 19 अप्रैल 2019 को आ रही है जो है कलंक, और ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें आपको वरुण धवन के साथ ही आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य राय कपूर, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त दिखेंगे और इस फिल्म में आपको वरुण धवन के अच्छे खासे एक्शन सीन भी देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों फिर कलंक के बाद वरुण धवन आपको सलमान खान की फिल्म भारत में भी दिखेंगे, और सलमान खान की भारत आ रही है 5 जून 2019 को, और भारत में वरुण धवन का किरदार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिर वरुण धवन आपको स्ट्रीट डांसर में दिखेंगे जो 8 नवंबर 2019 को आ रही है, और इस फिल्म में आपको श्रद्धा कपूर भी दिखेगी और ये 3D डांस फिल्म है जो काफी कमाल की होगी। फिर आपको वरुण धवन साउथ की सबसे बड़ी फिल्म RRR में भी एक छोटा सा किरदार निभाते दिखेंगे। जस्तोजा बॉलीवुड से आलिया भट्ट और अजय देवगन RRR में दिखेंगे। उसी के साथ इस फिल्म में आपको संजय दत्त और वरुण धवन का भी एक किरदार देखने को मिलेगा, और ये फिल्म आ रही है 3 जुलाई 2020 को। फिर आपको वरुण धवन दिखेंगे कुली नंबर 1 के रीमेक में, जो गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म कुली नंबर 1 का रीमेक होगी, और इस फिल्म में आपको वरुण धवन और सारा अली खान दिखेंगे, और ये फिल्म आपको 2020 के मिड में देखने को मिलेगी। और फिर इसके बाद वरुण धवन की एक जबरदस्त एक्शन फिल्म जो एक स्पाई थ्रिलर एक्शन फिल्म होगी, और इस फिल्म को शशांक खेतान डायरेक्ट करेंगे, और ये फिल्म आपको 2020 के लास्ट में या फिर 2021 की शुरुआत में देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों इसके साथ करण जौहर ने वरुण धवन के साथ एक और फिल्म की अनाउंसमेंट की थी जिसका नाम बताया गया था रणभूमि, और ये फिल्म 2020 दिवाली में आने वाली थी और इस फिल्म को भी शशांक खेतान डायरेक्ट करने वाले थे। दोस्तों ये थी वरुण धवन की आने वाली कुछ बड़ी फिल्में जो आपको आगे के सालों में दिखेगी। और दोस्तों आप इन सभी फिल्मों में से किस फिल्म को देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।